कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान काजल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में गरीब जनता की सुध लेने की बजाय पूंजीपतियों के खजाने भरे हैं। हालत ये हुई है कि देश का खजाना लूट कर अनेक पूंजीपति चौकीदार की नजर के सामने भाग गए और चौकीदार आंख बंद करके बैठा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान के प्रचार पर काफी खर्च किया था और इससे केवल अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने ये खर्च किया था। उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ मेक इन इंडिया के प्रचार पर लुटा दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में लगाए गए डस्टबिन भाजपा के विधायकों और सांसदों के मात्र प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर रह गए हैं, जबकि उनमें से कचरा उठाने की किसकी भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 70 साल के कार्यकाल में सुई से लेकर जहाज और अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी, लेकिन भाजपा ने 5 साल में यहाँ एक और जनता से जुमलेबाजी की तो देश का 250 टन सोना विदेश में गिरवी रख दिया है। भाजपा जनता के पैसों को जनता के लिए ना खर्च करके अपने प्रचार और प्रसार पर खर्च कर रही है। उन्होंने भाजपा से जानना चाहा कि 5 साल उनके सांसद रहे, लेकिन कांगड़ा चंबा में कुछ क्यों नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति सरकार में मंत्री रहते हुए 1.5 साल में स्कूली बच्चों को वर्दी का प्रावधान नहीं करवा सका, वो सांसद के तौर पर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कर्ज की बैसाखियों के सहारे पर सरकार चल रही है। जनता भाजपा की कथनी व करनी को समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ही देश को एक सूत्र में बांधकर सबका विकास कर सकती है। पालमपुर में कांग्रेस रैली में राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ब्रज बिहारी बुटेल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, बैजनाथ के पूर्व विधायक किशोरी लाल भी मौजूद रहे। सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वे कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगने आए हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में 72,000 देने का वायदा किया है, 2020 तक 24 लाख सरकारी नौकरी देंगे, गरीबी को दूर करेंगे, निशुल्क जांच, निशुल्क इलाज, 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। कांग्रेस ने जो कहा है वह उसको करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा, RTI, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि अब 150 दिन मनरेगा के दिए जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि न्याय होगा। पिछले 5 साल में जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेने का समय आ गया है, परिवर्तन हाथ से ही संभव है। उन्होंने कहा कि काफी गालियां सुन ली हैं, अब अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देती, हिंदुस्तान में बदलाव की आवाज है और देश के लिए परिवर्तन जरूरी है। आनंद शर्मा ने कहा कि किसने इस देश को यहां तक पहुंचाया, 1974 में देश परमाणु शक्ति बन गया था और बहुत सी उपलब्धियां देश ने हासिल कर ली थी। दुनिया देश का लोहा मानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने आने से पहले कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ये याद रखना चाहिए कि वो हिंदुस्तान से बड़े नहीं हैं, देश बड़ा होता है, भारत माता सबसे बड़ी है, भारत माता की जय भी करते हो और उसे अपमानित भी करते हो। हिमाचल प्रदेश के नाथफा और झाकड़ी के मध्य बनी 1500 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथफा झाकड़ी में विद्युत उत्पादन का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मियों में पड़ोसी राज्यों को परियोजना के आशानुरूप बिजली मिलेगी।
नाथवा झाकड़ी परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक संजीव सूद ने बताया कि सतलुज नदी की कृपा से बिजली उत्पादन बिना अवरोध के हो रहा है, इसलिए 21 मई को सतलुज नदी तट में परियोजना के नाथवा बांध व गंगा आरती की तर्ज पर सतलुज आराधना होगी। इस सतलुज नदी की महिमा समूचे परियोजना क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से विद्युत उत्पादन आशानुरूप करने में परियोजना में कार्यरत हर कर्मचारी और अधिकारी की कार्यनिष्ठा जुड़ी है। उन्होंने बताया कि 24 मई को स्थापना दिवस से पूर्व झांकी से नाथवा तक विभिन्न चरणों में मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों का भी परियोजना निर्माण में सहयोग के लिए धन्यवाद किया जाएगा, जबकि 9 मई को परियोजना कर्मचारियों के मध्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 1500 मेगावाट की नाथवा झाकड़ी से गर्मियों में बिना अवरोध के बिजली तैयार होती रहे, इसे लेकर सर्दियों में रिकॉर्ड समय के भीतर बिजली उत्पादन इकाइयों की मरम्मत की जाएगी।